हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं और मैं इन लोगों से झारखंड में जो हार यात्रा निकाले हैं, जो हार यात्रा नहीं झारखंड में उनको अवकाश पत्र यात्रा के रूप में देखा है और रामगढ़ की जनता ने पूरी तरह से उनके गृह जिले जहाँ उनके घर है जहाँ उनका गांव है और अपने गांव में भी पिछड़ गए, इसके पूरी तरह से सरकार जनता ने नकारने का काम किया है। यहाँ के मतदाताओं ने एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश में कि अब विकास विरोधी सरकार की अब जरूरत नहीं है, नौजवान विरोधी सरकार की अब जरूरत नहीं है, बेरोजगारों को संख्या बढ़ाने वाली सरकार को जल्द से जल्द इस प्रदेश से निजात मिले, ये संकेत ये संदेश यहाँ के मतदाताओं ने दिया है। सर जो झारखंड में 4 उपचुनाव हुआ था ये सब तो यूपीए के पक्ष में रहा था, पर आपके वहाँ पे क्या कमी रह गई थी आपके पक्ष में नहीं आया? हम उनके अखाड़े में लड़े थे और सच ये है कि हम जीतते जीतते हारे हैं, वो हारते हारते जीते, बहुत कम वोट से वो जीते और पिछले चुनाव में जब वो आम चुनाव था उसमें उनकी संख्या ज़्यादा थी, उसको हमने कम करने का काम किया था और उसी दिन हमने कहा था कि जनता का मिजाज बदल रहा है, अब आने वाला समय NDA गठबंधन का है। क्या ये 2024 का आगाज माना जाएगा? निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में 14 सीटें भाजपा जीतेगी और साथ साथ विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2/3 बहुमत NDA गठबंधन अर्थात BJP और आजसू के गठबंधन को मिलेगा। अब कैसा फील हो रहा बताइए, आपके पक्ष में आ गए? हम यहाँ के मतदाताओं को अभिनंदन करने के लिए आए, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आजसू के कार्यकर्ताओं को जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उनसे मिलकर के उनका आभार व्यक्त करने के लिए आए। देखें आजसू पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे जुलूस निकाल चुके हैं, डांस कर रहे हैं DJ बाजे गाजे के साथ। आप देखें हमारे कैमरे में आपको दिख रहा होगा किस तरह से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं वैसे तो होली का त्यौहार 8 मार्च को है लेकिन रामगढ़ में होली का त्यौहार कहीं ना कहीं आज 2 मार्च को सुजाता देवी जीत के साथ मनाया जा रहा है और डांस के साथ साथ ये लोग पार्टी के जयकारे की भी गूंज कर रहे हैं और यही कारण है आप देख सकते हैं उनका उत्साह कितना बढ़ा हुआ है।